हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधे टेक वर्ल्ड। दिस इज राखी सिन्हा हियर। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इंसर्ट टैब में हेडर फुटर ब्लॉक में हेडर फुटर का यूज करना। यदि आपका डॉक्यूमेंट कई पेज का है और आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज पे आप कोई सा भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हेडर फुटर का यूज करना होगा। इस ऑप्शन की विशेषता यह है कि आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज पे आपने जो भी नाम सेलेक्ट किया है वह हर पेज पर दिखाई देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये हमने इसे ओपन कर लिया। अब हम इंसर्ट टैब के हेडर फुटर ब्लॉक के हेडर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखिए, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, कोई सा भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैंने ब्लैंक ऑप्शन को चूज किया है। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को लिखा है, ये टेक्स्ट लिखते ही आपके हर एक पेज के हेडर पे आपको यही टेक्स्ट शो होगा। जैसे ये फ्रंट पेज पे है, अभी हम फर्स्ट पेज पे हैं। अभी मैं आपको सेकेंड पेज पे ले जाके दिखाती हूँ। ये देखिए, सेकेंड पेज के हेडर पे भी यही शो हो रहा है, थर्ड पेज के हेडर पे भी यही शो हो रहा है। ठीक है, अब हम फुटर का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको हेडर फुटर के ब्लॉक में फुटर का ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ब्लैंक ऑप्शन ही यूज करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो हमने लिखा ये पेज नंबर 1 पे लिखा, मीन्स की फ्रंट पेज पे। अब ये आपको हर पेज पे शो होगा। ये देखिए, सेकेंड पेज पे भी आपको शो हो रहा है नेक्स्ट, एंड थर्ड पेज भी ये आपको शो हो रहा है नेक्स्ट। तो इस टैब से हम हेडर एंड फुटर का यूज करते हैं। अगर आप हेडर के साथ साथ डेट एंड टाइम का भी ऑप्शन चाहते हैं, तो आप जहां पर ऑप्शन चाहते हैं वहां पर क्रशर को ले जाइए और यहां पे देखिए आपको डेट एंड टाइम का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहां से डेट एंड टाइम के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। यहां बहुत सारे आपको फॉर्मेट मिल जाते हैं डेट एंड टाइम के, यहां से कोई सा भी ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। ये जैसे मैंने इसे चूज कर लिया और ओके कर लिया। इस टैब से आपको हर पेज पर डेट और टाइम का भी ऑप्शन यहां पे शो हो रहा है, ये देखिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई सा यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट करना, तो भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पिक्चर का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और कोई सा भी पिक्चर आप यहां से क्लिक कर सकती हैं, चूज करके इसे यहां पर पिक्चर भी रख सकती है। आपके हेडर पे एक पिक्चर भी शो होगा। ठीक है, ये देखिए, ये हर पेज पे आपको ये एक पिक्चर शो हो रहा है। अगर आप यहां से एडिट करना चाहते हैं अपने हेडर को, तो भी कर सकते हैं। आप हेडर फुटर के ब्लॉक में जाइए, यहां पे हेडर का ऑप्शन मिलता है और यहां से अगर आप हेडर का नाम अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो भी आप एडिट के ऑप्शन पे जाइए, एडिट हेडर, और यहां पे आप एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, ए हेडर और एडिट हेडर पे जाते ही आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन चेंज हो गया है। अब आप जो नेक्स्ट पेज पे जाके देखिए, आपको यही जो आपने एडिट किया वो आपको शो हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो इस टैब से आप फुटर को भी चेंज कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रंट पेज पे कुछ और हेडर हो और बाकी सारे पेज पे कुछ और हेडर हो, तो भी आपको ऑप्शन मिलता है। आप देखिए, आपको ऑप्शन में डिफरेंट फर्स्ट पेज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कुछ और हेडर डालना, तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये हेडर डाला है,
और बाकी सारे में आपको डिफरेंट मिलेगा। ये देखिए फर्स्ट पेज पे आपको सिर्फ ये मिल रहा है जो मैंने चेंज किया, और बाकी नेक्स्ट सारे पेज पे आपको डिफरेंट हेडर का ऑप्शन मिल रहा है। ये देखिए डिफरेंट हेडर का ऑप्शन मिल रहा है, दूसरा हेडर है और फर्स्ट पेज में ये हेडर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑड और इवन पेज में भी डिफरेंट हेडर हो तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मिलता है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस का, इसको आप क्लिक कर लीजिए तो, लेकिन सेकेंड वाले पेज पे हेडर आपको शो नहीं कर रहा है यहाँ पर। फिर आपको थर्ड वाले पेज पे ये वाला शो कर रहा है, फिर ये फोर्थ वाले पे नहीं शो कर रहा, फिर फिफ्थ वाले पे इवन ऑड वाले नंबर पे ये वाला हेडर शो कर रहा है, मीन्स कि सेकेंड और फोर्थ पे आपको हेडर नहीं शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हेडर है वो पेज का टॉप में हो तो भी आप चूज कर सकते हैं। ये देखिए पोजीशन कहाँ होना चाहिए, पोजीशन पे जाइए और हेडर फ्रॉम टॉप, यहाँ पे देखिए हेडर फ्रॉम टॉप पे कितना पे रहेगा, ये यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हेडर फ्रॉम टॉप, अगर आप चाहते हैं कि इसका अलाइनमेंट भी सेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, यहाँ लेफ्ट है, सेंटर है, सेंटर पे है, राइट पे भी कर सकते हैं, और इसे ओके कर लीजिए। ये देखिए हमने इसे राइट पे कर दिया, ये इंसर्ट में गए, और अगर लेफ्ट पे चाहते हैं तो लेफ्ट पे, सेंटर में चाहते हैं हेडर तो सेंटर पे, और राइट पे चाहते हैं तो राइट पे करके ओके कर दीजिए। ये देखिए अभी हमारा हेडर राइट पे चला गया है। उसके बाद आप फुटर को भी इसी टाइप से चेंज कर सकते हैं। फुटर के लिए भी आप, अगर आप चाहते हैं कि उसको घटाना या बढ़ाना, उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो भी आप यहां से कर सकते हैं। अगर आपको हेडर और फुटर नहीं चाहिए तो आप हेडर ब्लॉक पे जाइए और रिमूव हेडर का आपको ऑप्शन मिलता है, फिर आपको फुटर में भी रिमूव फुटर का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहां से इसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए आपका हेडर और फुटर रिमूव हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए घर पे रहिए, टेक केयर, बाय।